वेरी गुड इवनिंग बच्चों। और ये कॉमन एरर्स की सेकेंड सीरीज आपको दी जा रही है और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि 10 उन क्वेश्चंस को फेस करें जो आपके आगामी एग्जाम सीजीएल और सीएचएसएल और आगे एमटीएस जैसे एग्जाम्स में बहुत बेहतर है, मीन्स आपके काम आए। तो जो भी बच्चे सोचते हैं कि हम 10-10 क्वेश्चंस धीरे धीरे पर डे करीब प्रिपेयर करें, वो बच्चे यहां बेहतर मेहनत कर सकते हैं। लेट्स ट्राई, देखते हैं एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया गया होगा, आपको याद हो कि उसके तीन मेन रूल्स थे। जीरो कंडीशनल हटा दिया जाए तो कंडीशनल फर्स्ट, कंडीशनल सेकेंड और कंडीशनल थर्ड। कंडीशनल फर्स्ट में आपको दोनों फ्यूचर की क्लॉजेस दी जाती हैं, जिसमें इफ क्लॉज के साथ, अनलेस क्लॉज वगैरह के साथ आप विल शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरे कंडीशनल सेकंड में आपको वो अनरियल पास्ट आपको शो किया जाता है, जिसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट के साथ वुड, कुड या माइट का प्रयोग करना होता है। लेकिन ये तीसरा यानी कंडीशनल थर्ड आपका है, जहां पर एक क्लॉज आपकी पास्ट में होती है, पास्ट परफेक्ट इफ यू हैड टोल्ड मी, और जो दूसरी क्लास होती वो वुड है, माइट है या कुड है की थर्ड फॉर्म होती है वहां पे। तो इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड है, सही है, ये पास्ट परफेक्ट आपका है, तो ये क्लास आपकी जो है वो वुड है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म लेंगे। तो इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड, यहां तक तो सही है, हेल्प्ड यू। आगे है सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको पढ़ाया गया है कि जब आप हेल्प का प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं, वाच का प्रयोग करते हैं, फील का प्रयोग करते हैं, नोटिस का प्रयोग करते हैं, हियर का प्रयोग करते हैं, तो इसके बाद जब ऑब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब लेनी होती है तो वो वर्ब हमेशा बेयर इन्फिनिटिव में होती है। तो अगर बेयर इन्फिनिटिव में है तो सही, यू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी इस वाक्य में कोई एरर नहीं है। और प्लीज जबरदस्ती एरर फाइंड आउट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि तो बहुत बार नो एरर के क्वेश्चन दिए जाते हैं और हम उनमें भी फाइंड आउट करना चाहते हैं एरर को, तो यहां पे नो एरर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। ऑफ ऑल द मॉडल्स, जैसे आपने देखा ऑफ ऑल द मॉडल्स है तो आप तुरंत समझ जाए वहां पर हमको कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना है। तो जब ऑफ ऑल द मॉडल्स दिया जा रहा है तो जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग, द भी एक इंडिकेटर है आपका, और दूसरा ये ऑफ ऑल द मॉडल्स कह रहा है कि यहां पे कंपेरेटिव ना होकर के सुपरलेटिव डिग्री हो। तो अगर ये हो गया ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द, क्या हो जाएगा यहां पे मोर गुड, यानी क्या होगा यहां पे गुड, बेटर, बेस्ट, यानी ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द बेस्ट लुकिंग वन हो जाएगा आपका। एक और चीज, अगर यहां पे ऑफ ऑल ना होकर के ऑफ द टू मॉडल्स होता तो फिर यहां पे आप कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते थे और कंपेरेट के पहले द भी ले सकते थे, लेकिन ऑफ ऑल द मॉडल्स कह रहा है कि आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करें। लेट्स ट्राई थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एज वी सी इट शी अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल एंग्जियस अबाउट प्लेसिंग हर हस्बैंड। As we see it, जैसा कि हम इसे देखते हैं, क्या she appears, वो प्रतीत होती है, वो लगती है क्या to be unreasonable anxious about pleasing her husband। ये anxious क्या है, ये आपका adjective है, adjective के पहले unreasonable, ये भी adjective है, तो आप समझते हैं एक ही तरह का adjective दूसरे adjective को modify नहीं कर सकता है, तो आपको यहां adjective के बजाय एडवर्ब का प्रयोग करना होगा। एज वी सी इट शी अपीयर्स टू बी अनरीजनेबली हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, तो एज वी सी इट शी अपीयर्स टू बी अनरीजनेबली एंग्जियस हो जाएगा। चलिए तीसरा चौथा क्वेश्चन देखते हैं, यू डू नॉट लुक एज योर ब्रदर। एक्चुअली आपको लगता है कि एज मीन्स की तरह होता है, तो आपके हिसाब से सही हो सकता है, यू डू नॉट लुक एज योर ब्रदर, आप अपने भाई की तरह नहीं देखते, बट आप एक फर्क समझें, एज जो है वो प्रीपोजिशन नहीं होता है, एज एक कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन जो होता है, अगर एक कंजंक्शन है
तो इसके बाद आप केवल कोई फ्रेज नहीं ले सकते, ये नाउन फ्रेज है, केवल नाउन फ्रेज नहीं ले सकते, आपको पूरी क्लास लेनी होगी। तो या तो आप करें यू डू नॉट लुक एज योर ब्रदर लुक्स, जो कि उनका टारगेट नहीं है, एज पे करके उनका टारगेट है कि आप ये जिन्हें जब नाउन फ्रेज आपने लिया है तो फिर आप कंजंक्शन क्यों ले रहे हैं, आप प्रीपोजिशन लीजिए। तो प्रीपोजिशन के लिए की तरह के लिए हम क्या लेते हैं, याद करें लाइक, ये लेते हैं ना, तो अगर यू डू नॉट लुक लाइक योर ब्रदर, लेकिन मैंने कहा आप ऐसे भी बना सकते हैं यू डू नॉट लुक एज योर ब्रदर लुक्स, इस तरह भी कर सकते हैं। फिलहाल यहां पे एज के बजाय लाइक लीजिए, जहां पे पूरी क्लास दी गई हो वहां पे की तरह के रूप में एज का प्रयोग करते हैं, जहां पे केवल नाउन फ्रेज दिया गया हो वहां पे लाइक का प्रयोग करते हैं। लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। विदाउट नो प्रूफ, आगे बढ़िए ही नहीं कभी आप, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है ना। क्या आप हार्डली के साथ, स्कैर्सली के साथ, रेयरली के साथ, बेयरली के साथ, अनलेस के साथ, अंटिल के साथ, क्या आप कोई नेगेटिव वर्ड ले सकते हैं उसी क्लास में? नहीं ना। तो विदाउट के साथ भी आप नेगेटिव वर्ड नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि विदाउट खुद नेगेटिव है। अगर विदाउट खुद नेगेटिव है तो नो लेकर के आप डबल नेगेटिव्स का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो आगे ना बढ़े, विदाउट नो प्रूफ के स्थान पे या तो आप विदाउट प्रूफ ले या नो को आप एनी में बदल सकते हैं। विदाउट एनी प्रूफ भी हो सकता है या नो को हटाकर विदाउट प्रूफ भी हो सकता है। तो ये आगे ना बढ़े, यहीं पे आपके एरर जाएगी ए पोर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सम ऑफ द पीपल वर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट, यानी कुछ लोग जो थे वर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट, यानी खड़े थे गली में। वॉच क्रिकेट मैच, ये किसके लिए है? इसी के लिए सम ऑफ द पीपल। तो अगर सम ऑफ द पीपल वर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट लिया आपने, तो फिर अब इसको हटा के सोचे सम ऑफ द पीपल वॉच क्रिकेट मैच कैसे हो? ये भी उसी फॉर्म में होगी वर जो इसके पहले वाली है। तो क्या होना चाहिए? सम ऑफ द पीपल वर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट वॉचिंग क्रिकेट मैच हो जाएगा। अभी कंपैरिजन बराबर हो गया, वॉचिंग क्रिकेट मैच वाइल अदर्स वर सेटिंग, ये तो सही है, जबकि दूसरे लोग बैठे हुए थे। यहां वॉच क्रिकेट नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास एक ही है सम ऑफ द पीपल, यहां वॉच नहीं वॉचिंग होगा, क्योंकि इसके पहले स्टैंडिंग आपको दिया गया है। ओके, लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव नीदर विजिटेड आर, बढ़े ही आगे। अगर आपको याद हो वेदर का कॉम्बिनेशन आर होता है, नॉट ओनली का कॉम्बिनेशन नॉर्मली बट ऑल्सो होता है, ईदर का कॉम्बिनेशन आर होता है, तो नीदर का कॉम्बिनेशन क्या होगा? आर होगा क्या? आर तो ईदर का होता है, तो फिर यहां पे होगा आई हैव नीदर विजिटेड नॉर, हो जाएगा ना। जैसे बोथ का कॉम्बिनेशन एंड होता है, एज वेल एज नहीं होता है, ऐसे ही जैसे एज का कॉम्बिनेशन एज होता है, सो का कॉम्बिनेशन एज भी हो सकता है और स्थिति अनुसार दैट भी हो सकता है। आई हैव नीदर विजिटेड नॉर इंटेंड टू विजिट हिल स्टेशन, तो यहां आर के बजाय नॉर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बेल्जियन चॉकलेट इज कंसिडर्ड बाई मेनी टू बी फाइनर, टू बी फाइनर बता रहा है कि हम कंपेरेटिव डिग्री में है। बेल्जियन चॉकलेट इज कंसिडर्ड बाई मेनी टू बी फाइनर देन एनी अदर्स इन द वर्ल्ड, Any others में कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पशु हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है। तो हम क्या करें, हमारा क्या ऑप्शन होना चाहिए? बेल्जियन चॉकलेट, हम तो चॉकलेट की बात कर रहे हैं, बेल्जियन चॉकलेट इज कंसिडर्ड बाय मेनी टू बी फाइनर देन एनी अदर चॉकलेट होगा, यानी आपको चॉकलेट लेना पड़ेगा देन एनी अदर चॉकलेट इन द वर्ल्ड। तो यहां पर एनी अदर होगा ना कि एनी अदर्स होगा, एनी अदर चॉकलेट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेचर हैज डिनाइड अस, यानी नेचर ने हमें महरूम रखा है द पावर ऑफ क्लोजिंग आवर ईयर्स, कि हम अपनी कानों को बंद नहीं कर सकते हैं, विच शी गिव इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर आईज, जिसने उसने हम चूंकि आंखें तो बंद कर सकते हैं, इसके कंपैरिजन में उसने हमें ईयर्स दिए लेकिन हम उन्हें बंद नहीं कर सकते। ध्यान से देखें, नेचर हैज डिनाइड अस, यानी नेचर ने हमें को नहीं पूरी मानव जाति को, नेचर हैज डिनाइड अस द पावर ऑफ क्लोजिंग आवर आईज, विच शी गिव, जो उसने हमें दिया
या अभी भी दे रही है और आगे भी जो लोग रहेंगे उनके साथ ऐसा भी होगा, तो फिर क्या आप विच शेप गैप लेना चाहेंगे या विच शेप गिव्स या उससे भी बेहतर जो उसने दिया है, तो विच शी हैज गिवन हो जाएगा। यानी हाँ, विच शी गिव ना लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लें, विच शी हैज गिवन हो जाए। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही डिड नॉट सक्सीड टू गेट द जॉब दो ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। ही डिड नॉट सक्सीड, वो सफल नहीं हुआ टू गेट, जैसे ही सक्सीड के बाद आपने टू गेट देखा, तुरंत समझ जाएं कि सक्सीड एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने आगे हमेशा आईएनजी फॉर्म लेती है, इन्फिनिटिव नहीं यूज करती है। यहां होगा ही डिड नॉट सक्सीड इन, जब इन लेंगे तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी हो जाएगा, ही डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग द जॉब हो जाएगा। यानी सक्सीड के आगे फुल इन्फिनिटिव न लेकर के क्या ले लें, जिरन ले लें आप, तो इन गेटिंग द जॉब हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चंस हैं, मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको थोड़े थोड़े बताता चलूं ताकि आपके प्रिपरेशन हो जाए, और इस तरह से 10 क्वेश्चन के आप एक सीरीज अपनी बनाते चले। इसके पहले एक सीरीज मैंने दी हुई है, उसे प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये जस्ट उसी के आगे का है जो आपके सीसीएल सीएचएसएल या आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें काम आए। चलिए फिर कल मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।